मैंने आपको बताया था कि इमरात अजीज ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ शादी कर ली, और फिर ये सारी रिवायात इसराइली रिवायात हैं, इसका कोई पता नहीं है। और हमें इस बात में पढ़ना भी नहीं चाहिए, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को बड़ी तफसील से बयान करा है। आपका बचपन, आपका ख्वाब, भाइयों का ले जाना, कुएं में डालना, कुएं से निकालना, मिस्र में बिकना, अजीज मिस्र का खरीदना, अजीज मिस्र की औरत का डोले डालना, सारे वाकयात हैं। सिर्फ ये शादी वाला किस्सा छोड़ दिया जो अहम जरूरत थी। तो अल्लाह ने इस चीज को कुरान में न लिखे माना है तो नहीं, वो किससे घरे हुए भाई, इतनी तफसील है किस्से में, किसी पैगंबर का किस्सा अल्लाह ने इस तफसील में बयान नहीं करा। लेकिन ये शादी वाली बात रह गई। अच्छा, और अगर बबल में बात हुई या नहीं हुई तुम्हें क्या तकलीफ है? जैसे आप भी आते तो जी बीवी हवा का और आदम का निकाह जब हुआ था खुतबा किसने पढ़ा? तो बदबख्त हो, वो तो अल्लाह का हुक्म था, कुल्ला या आदम उसकुन अंत बदो लिखा, तुम्हारी बीवी है, अल्लाह ने कह दिया, फिर खुतबे की जरूरत है? क्या करें, हमारे लोग मसले करते रहते हैं।